एमपी में नई मोहन सरकार जहां एक तरफ एक्शन में है तो दूसरी तरफ अभी भी अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है, जिसका ताजा उदाहरण शिवपुरी शहर के वार्ड क्रमांक 1 बछोरा में देखने को मिला, जहां पिछले 22 दिनों से डीपी खराब पड़ी है। यहां के रहवासियों ने कई बार बिजली विभाग को सूचना दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीते रोज यहां के वार्डवासी पुराने बस स्टैंड स्थित एई दफ्तर पहुंचे और घेराव करते हुए नारेबाजी की गई और डीपी बदलने को लेकर जेई को एक ज्ञापन सौंपा गया और कहा कि अगर डीपी नहीं बदली तो आंदोलन करेंगे। लेकिन इसके बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिस पर वार्ड क्रमांक 1 के पार्षद अमरदीप शर्मा वार्डवासियों के साथ विधायक देवेंद्र जैन के पास पहुंचे और उन्होंने अपने समस्या के बारे में अवगत कराया। विधायक देवेंद्र जैन ने तुरंत बिजली विभाग के संबंधित अधिकारियों को फोन लगाया और जल्द समस्या का निराकरण किए जाने की बात कही, जिस पर अगले ही दिन बिजली विभाग के कर्मचारी नई डीपी लेकर पहुंचे और फूंकी डीपी को उतार कर नई डीपी लगाई गई। जी पिछले 15-20 दिन से यहाँ की लाइट बंद थी तो जनता और जनता के प्रतिनिधि हमारे पार्षद जी अमरजीत जी आए, हमारे पास आए पिताजी के पास, तो उन्होंने बताया कि डीपी खराब है तो उस पर कार्रवाई करते हुए आज डीपी रखी जा रही है और उसका निरीक्षण करने में स्वयं आज सकते थे। ये ट्रांसफार्मर हमारा खराब हो गया था, लगभग 20-22 हो गई थी, 20-22 ट्रांसफार्मर खराब था। अच्छा, उसके लगातार एमपी वालों से प्रयास कर रहे थे जी चेंज हो जाए जी, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था, काफ़ी समस्या आ रही थी। फिर हमने समस्या हमारे माननीय विधायक जी को बताई जी, उन्होंने फिर ये एम डी से ही से बात कर रहे हैं और आगे ट्रांसफार्मर शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट।